श्री गणेश, गजानन, विनायक, लंबोदर, वक्रतुंड और एक दंत के नाम से पुकारे जाने वाले भगवान श्री गणेश का 10 दिन के लिए पृथ्वी पर शुभागमन हो रहा है। प्रथम पूज्य श्री गणेश हमारे अति विशिष्ट सौम्य और आकर्षक देवता हैं। उनके आगमन के साथ ही पृथ्वी पर चारों तरफ रौनक, रोमांच और रोशनी बिखर जाती है। आइए जाने क्या करें गणेश चतुर्थी पर, कैसे करें स्थापना और पूजा। घर को सजाए, सवारे, निखारे, इतना खूबसूरत हो उनके आने से पहले आपका घर कि देखते ही वे प्रसन्न हो जाएं, मुस्कुरा उठें और कहें कि बस अब कहीं नहीं जाना, अब यहीं रहना है। सुख सुविधा, आराम, खुशियां जितनी आप गणपति के समक्ष रखेंगे उतनी ही और उससे कहीं ज्यादा आपको प्रतिसाद में मिलेंगी। उनके स्थापना का स्थान स्वच्छ करें। सबसे पहले स्थान को पानी से धोएं, कुमकुम से एकदम सही व्यवस्थित स्वस्तिक बनाएं, चार हल्दी की बिंदी लगाएं, एक मुट्ठी अक्षत रखें, इस पर छोटा बाजोर, चौकी या पटा रखें, लाल केसरिया या पीले वस्त्र को उस पर बिछाएं, स्थान को रोशनी से सुसज्जित करें, चारों तरफ रंगोली, फूल, आम के पत्ते और अन्य सजावटी सामग्री से स्थान को सुंदर और आकर्षक बनाएं। आसपास इतना स्थान अवश्य रखें कि आरती के पुस्तक, दीप, धूप, अगरबत्ती, प्रसाद रख सकें। सब परिवार आरती में शामिल होना जरूरी है, अतः किसी ऐसे कमरे में गणेश स्थापना करें जहां सब पर्याप्त दूरी के साथ खड़े हो सकें। एक तांबे का सुस्वच्छ कलश शुद्ध पानी भरकर आम के पत्ते और नारियल के साथ सजाएं। ये समस्त तैयारी गणेश उत्सव के आरंभ होने के पहले ही कर लें। जब गजानन को लेने जाएं तो स्वयं नवीन वस्त्र धारण करें। पुरुष सिर पर टोपी, साफा या रुमाल रखें। स्त्रियां सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र के साथ समस्त आभूषण पहनें। सुगंधित गजरा लगाएं। अगर उपलब्ध हो तो चांदी की थाली साथ में लेकर जाएं। ना हो तो पीतल या तांबे की भी चलेगी। सबसे आसान है लकड़ी का वस्त्र से सुसज्जित पाटा, साथ में सुमधुर स्वर की घंटी, खड़ताल, झांझ, मंजीरे लेकर जा सकें तो अति उत्तम होगा। मंगल प्रवेश कैसे करें, आइए जाने। घर की मालकिन गणेश को लाकर द्वार पर रोकें, स्वयं अंदर आकर पूजा की थाली से उनकी आरती उतारें, उनके लिए सुंदर और शुभ मंत्र बोलें, आदर सहित गजानन को घर के भीतर उनके लिए तैयार स्थान पर जय जयकार के साथ शुभ मुहूर्त में स्थापित करें। सभी परिजन मिलकर कपूर आरती करें, पूरी थाली का भोजन परोसकर भोग लगाएं, लड्डू या मोदक अवश्य बनाएं, प्रतिदिन प्रसाद के साथ पंचमेवा जरूर रखें।